जय महाकाल, जय गुरुदेव। वेलकम टू माय चैनल सतीश शर्मा योगा हिल, वन ऑफ द न्यू सेशन ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ एंड हैप्पीनेस के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस मिशन में आज हम बात करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। जी हाँ, अर्ध मत्स्येंद्र आसन यानी हाफ फिश पोज एक ऐसा योगासन है जो कि मधुमेह जिनको है, द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, इट्स रियली मिरेक्युलस। एक संजीवनी बोल सकते हैं हम, रामबाण बोल सकते हैं, रामबाण आसन है मत्स्य अर्ध आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसको करने का तरीका बहुत आसान है, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप करोगे तो बहुत ही एंजॉयबल रहेगा। नो डाउट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं आपको बताऊंगा अगर आप उतना स्ट्रेच नहीं कर पाते हो, नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है। देखिए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने से हमारी पैंक्रियास बहुत शक्तिशाली होती, बहुत एक्टिवेट होती है, स्पाइन हमारा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लिवर, इंटेस्टाइन, गुर्दे, किडनी सब बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत ही ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो कोई भी बीमारी हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में नहीं आ सकती। जैसे मैंने पहले ही कहा कि डायबिटीज के लिए रामबाण आसन है, पैंक्रियास जो है वो बहुत एक्टिवेट होता है यहाँ पे, तो इसे हमें रोज करना चाहिए। जिन्हें डायबिटीज है उन्हें दिन में दो बार करना चाहिए, और जिन्हें डायबिटीज नहीं है उन्हें तो करना ही करना है, क्योंकि आगे डायबिटीज नहीं हो और ग्लूकोज की मात्रा या इंसुलिन जो हमारे शरीर में बनती है वो प्रॉपरली बहुत ही बैलेंस रहे। तो ये जानते हैं कैसे करना है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आसन फॉर ऑल अवर इंटरनल ऑर्गन्स, बट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। आपको मैट जैसे मैंने बिछाया वैसे बिछा लेना है और दंडासन में आ जाना है। आपको पूरी तरह से अपने पैरों को सीधा कर लेना है जैसे मैंने कर लिया है। यहाँ पे ब्रेथ, सांस लेने की प्रक्रिया, छोड़ने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें सांस लेना है, एक लंबी गहरी सांस मैंने लिया और छोड़ दिया। अब करना क्या है, लेफ्ट पैर को जो है बाएं पैर को फोल्ड करना है, उसे हम फोल्ड करके अपने हिप्स के पास लेके आएंगे और एंकल को जो है अपनी एड़ी को उसे हिप्स के नीचे रख देंगे, राइट साइड के हिप्स के यहाँ पे, ठीक है। हमने सांस लिया और छोड़ा, फिर से भी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए ये जो पैर है राइट पैर ये हमने ला दिया अभी यहाँ पे घुटने के इस तरफ जस्ट ऑपोजिट, और उसके बाद सांस भरते हुए हमें सांस लेना है, हाथों को ऊपर करना है और राइट हैंड को हम सीधे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ ताकि थोड़ा आपको इजी रहे देखने में। अब मैं सांस भर रहा हूँ, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, और ये हाथ आ गया पीछे जो हमने स्पाइन को इरेक्ट रखने में और हाथों को एक सपोर्ट देगा हमें जब हमारा पोज कंप्लीट होगा, राइट। अब ये हमने ऐसे कर लिया, फिर से हमें सांस भरना है, लंबी गहरी सांस अंदर, हाथों को ऊपर रखेंगे और सांस को छोड़ते हुए हम अपने एल्बो को घुटने के इस तरफ रखेंगे और फिर ये पैर को पकड़ते हुए ऐसे पीछे की तरफ देखना है। यहाँ पे पोज होता है कंप्लीट, हमें सांस लेना है और छोड़ते रहना है, साधारण सांस लेना है और छोड़ना है, कम से कम एक मिनट रुकना है आपको, रिलैक्स। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा रहा हूं तो ज्यादा इजी होगा। फिर से हमें दोनों पैरों से करना है, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट से। अभी मैंने लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट से किया था, ठीक है। अब राइट पैर को जो है हम लंबी गहरी सांस लेंगे, लॉन्ग डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। बॉडी को ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, बहुत आराम से करना है, सांसों के तालमेल के साथ में। फिर से सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अब ये देख लो आप, यहां से आपको दिखाई देगा, अभी ये जो पैर है मेरे लेफ्ट पैर को सीधा है
राइट पैर जो है वो मैंने फोल्ड किया और ये यहाँ पे हिप्स के पास एंकल देख सकते हो मेरी एडी एडी ठीक हिप्स के नीचे है राइट। अब जो ये पैर है लेफ्ट पैर इसको हमें पकड़ के यहाँ पे रखना है घुटने के ठीक इस तरफ। अभी घुटने के इस तरफ हमने रख दिया। अब ये हो रहा है हाफ पोज आप देख सकते हो। पोज कैसे हो गया ये जो पैर है हमारा राइट पैर पूरी तरह से हमने इसको फोल्ड किया है ये देख सकते हो आप कूल्हे हिप्स के ठीक नीचे है एडी और ये जो पैर है ये इस तरफ हो गया। अब ये पोज आपको मेंटेन रखना है दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब जब हम कब लेते हैं तो हालांकि अर्ध मत्स्यासन का और भी बहुत सारे पोज है लेकिन हम वो करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड है और जो थोड़ा सरल रहे आपको कोई तकलीफ नहीं हो। अब हमें क्या करना है सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को और एक्सेल करेंगे और ठीक पीठ के पीछे आ गए आप देख सकते हो यहाँ पे। पोज पे ध्यान दीजिए पोज देख रहे हो आप कैसे नीचे मेरा पैर राइट पैर फोल्ड होके हिप्स के नीचे है लेफ्ट पैर जो है वो घुटने के इस तरफ थाइस के इस तरफ जस्ट ऑपोजिट यहाँ नहीं रखना है आपको ध्यान रखना यहाँ पे भी नहीं रखना है ना सामने रखना है ना यहाँ रखना है। ये पैर को सीधे आपको उठा के इस तरफ लेके आना है इस तरफ और जो पैर आप ले रहे हो जैसे कि अभी मैंने कौन सा पैर लिया इस तरफ मैंने जिस पैर को घुटने की उस तरफ लिया है ठीक उसी हाथ को आपको पीछे रखना है वो बात ध्यान रखना है। देखिए लेफ्ट पैर मेरा कहाँ आ गया राइट पैर की उस तरफ लेफ्ट पैर वहां गया लेफ्ट हैंड पीछे गया। अब जो पोज लेंगे हम वो राइट हैंड से लेंगे। देखिए फिर से हमें सांस भरना है सांस भरते हुए हमने हाथ उठाया और सांस को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए वेरी मच इम्पोर्टेंट ये बहुत जरूरी है। अभी आप देखो मैंने सांस को भरा अब मेरा एल्बो देखिए कहाँ पे है एल्बो मेरा आ गया घुटने की इस तरफ राइट। अब जैसे ही आप एल्बो आप लाओगे या फिर आपके बाइसेप्स या ट्राइसेप्स आप देखते हो बाइसेप्स इस तरफ है ट्राइसेप्स यानी कि बाजू के जो पिछला हिस्सा है वो आप देखो घुटने के यहाँ पे टच करना है हमें थोड़ा उसके नीचे की तरफ थाइस से थोड़ा ऊपर। अब यहाँ पे मैंने एल्बोज आप देख सकते हो ऐसे लिया। अब ये हाथ जो है ये हाथ को यहाँ पे पैरों के पास लाना है ठीक है और अब मुझे देखना है पीछे की तरफ ध्यान ये देना गर्दन सीधी रखनी है ऐसे नहीं देखना है राइट। आप देख सकते हो ऐसे नहीं देखना है ऐसे नहीं देखना है ऐसे नहीं देखना है जितना हो सके आप स्ट्रेट रखो और पीछे की तरफ देखो ठीक है इस तरह से सांस लेना है छोड़ते रहना है आपको एक मिनट तक रुकना है यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आसन हमारे पूरी पैनक्रियास इंटेस्टाइन पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं पैनक्रियास बहुत ही शक्तिशाली हो रही है यहाँ पे आपका स्पाइन रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इस तरह से देखो आप रुक सकते हो लगभग एक से दो मिनट आपको रुकना है इस तरह से और सांसों को छोड़ते धीरे से रिलैक्स हो जाते हैं। अभी प्रश्न ये है कि जो लोग इतना अगर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें क्या करना है यानी कि बॉडी उतनी ट्विस्ट नहीं हो रही है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पा रही है तो आपको बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना है धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी देखिए इस केस में आपको राइट तो ये सबको हो जाएगा जैसे ही आपने राइट पैर को यहाँ मोड़ सकते हैं ये सबके लिए आसान है ठीक है। दूसरा भी क्या करना है आपको हाथ पीछे की तरफ लेके जाना है ये भी इजी है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो पैर है जो कि लेफ्ट पैर सीधा रहता है अब ये समझो आपका यहाँ पे लाने में आपको ऐसे तकलीफ हो रहा है ठीक है और फिर उसके बाद में ये हाथ को यहाँ से ऐसे ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तो यहाँ पे क्या करना है आपको जो ये पैर है आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हो ठीक है मतलब जैसे हमने सीधा से यहाँ पे रखा और फिर आपको ये ऐसे यहाँ पे ऐसे पकड़ सकते हो इसको इस तरह से और यू कैन जस्ट हैव अ टर्न लाइक दिस इस तरह से बहुत इजी है। अभी ये पैर आपका इसी तरफ है तो इतना तो आप कर सकते हो ठीक है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो सपोज आप पैर आपका अगर सीधा है
ये पैर आपका सीधा है, ठीक है। वापस से बता दे रहा हूँ मैं कि बहुत इजी, अगर आप उतना मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो क्या करना है, यानी भोजन को बॉडी में समझे उतनी लचक या इलास्टिसिटी नहीं है, तब क्या करना है, ये इतना तो सबका हो जाएगा, राइट पैर ऐसे, लेफ्ट पैर को आप ऐसे थोड़ा सीधा रहने दो, ये हाथों को सांस लेना है, छोड़ते हुए पीछे ऐसे रखना है, और ये जो है आपका आपका राइट हैंड, इसका इम्पोर्टेंट है कि आपके इसमें ट्विस्ट आना चाहिए, तो ये अब आप यहाँ पे रख सकते हो, आपके इस अंगूठे को यहाँ पे पकड़ सकते हो, जो अंगूठा आपने फोल्ड किया है ऐसे कर सकते हो, राइट, ये देख सकते हो, आपका बहुत आसान तरीका है, ये बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ अपने इस अंगूठे को पकड़ना है ऐसे, वो पैर को सीधे रहने दो और पीछे की तरफ देखना आपको ऐसे, आंखें बंद भी रख सकते हो, खुले भी रख सकते हो, और लगभग लगभग 1 से 2 मिनट तक आपको रुकना है, 1 मिनट कम से कम रुकना आप ऐसे, राइट। है बहुत आसान, अगर आप फर्स्ट वाला प्रोसेस नहीं कर पाते तो ये आपको दोनों तरफ से करना है। तो ये रहा अर्ध मत्स्येन्द्र आसन, इसे आपको दोनों साइड से करना है, राइट साइड से भी करना है, लेफ्ट साइड से भी करना है। जैसे ही आप दोनों साइड से करोगे तो शरीर के अंदर बहुत सारी आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बहुत एक्टिवेट हो जाती है, पैनक्रियास जो है वो उसके ऊपर इस आसन का ज्यादा असर पड़ता है, और पैनक्रियास जो है वो हमारे इंसुलिन को मेंटेन करती है, बनाती है, दैट इज द थिंग व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट आसना फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, जिन्हें मधुमेह है उनके लिए इसलिए रामबाण आसन है कि इसका बहुत ज्यादा असर होता है हमारे पैनक्रियास के ऊपर। तो ये रहा आज का सेशन, जहां पे कि हम अर्ध मत्स्येन्द्र आसन से अपने शरीर को, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हुए डायबिटीज से बहुत ही दूर रह सकते हैं, और जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मेडिसिन को चालू रखें, और इस आसन को 2 बार करना है आपको, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को, मॉर्निंग एंड इवनिंग अपना टाइम बना लीजिए, और जहां तक हो सके तो खाली पेट करना बहुत ही है, शाम के टाइम पे अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि कम से कम 1.5 घंटे का, 1.5 hours, एटलीस्ट 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए, कम से कम 1.5 घंटा, लेकिन 1.5 घंटा हुआ तो बहुत अच्छा है, 1.5 घंटे के बाद ही आपको ये आसन करना है अगर आप शाम को कर रहे हो। तो जिन्हें डायबिटीज है सुबह शाम कीजिए, और 40 डेज यानी कि 40 दिनों के बाद आपकी रिपोर्ट को चेक करना, आई एम डैम श्योर देयर विल बी लॉट्स ऑफ डिफरेंस, और डॉक्टर सर, डॉक्टर साहब आपकी जो मेडिसिन ले रहे हो उसकी पावर को बहुत कम करेंगे, ये मेरा पक्का पक्का एकदम कमिटमेंट के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, अगर आप इसे सही ढंग से कर रहे हो। दोनों साइड से आपको 2-2 मिनट रुकने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही फायदा आपको पहुंचाएगा ये। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आई होप एवरी वन गोइंग टू गेट मच मच बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सेशन, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप शेयरिंग ऑल द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, थैंक यू, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद, मुस्कुराते रहना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू।